हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 के एक्सरसाइज 6F के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। निम्नांकित को सरल कीजिए, ये आपको करना है। तो यहाँ पे पहला सवाल क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8AB प्लस 5, फिर प्लस 3AB माइनस 4A² प्लस 8। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसको ए स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 8AB लिखते हैं, प्लस 5 लिखते हैं, प्लस 3AB लिख देते हैं, माइनस 4A² लिखते हैं, प्लस 8 लिख देते हैं। उसके बाद फिर सजातीय पद छांट लेते हैं, ए स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ये भी ए स्क्वायर है ना, तो सजातीय पद है, तो माइनस 4A². उसके बाद प्लस 8B ले लेते हैं, प्लस 8AB, और सजातीय पद ये भी है, देखो ए बी है इसमें भी, तो प्लस 3AB, और कोई सजातीय पद नहीं है, प्लस 5 है, प्लस 5 यहाँ पर उतार देते हैं, प्लस 8 यहाँ पर उतार देते हैं। अब ए स्क्वायर है, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस से प्लस कम हो जाएगा एक, यहाँ पे माइनस 3A² बचेगा, माइनस वाला अधिक है तो यही बचेगा, एक माइनस का जाएगा, एक प्लस का जाएगा, तो प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस का एक कम होगा, माइनस 3A² बचेगा, इसमें आपका प्लस है तो ऐड हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 11AB रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस प्लस जुड़ेगा तो प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस है तो जोड़ दीजिए, 8 5 13, इसका ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई माइनस प्लस माइनस जेड हो गया, ये आपका हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सजातीय पद छांट लेंगे, एक्स होगा, ये भी माइनस एक्स है तो यहाँ पर रख ले लेंगे, प्लस वाई है तो प्लस वाई यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ भी प्लस वाई है तो यहाँ रख लेते हैं प्लस वाई, उसके बाद प्लस जेड है और यहाँ पर सजातीय पद माइनस जेड है, तो यहाँ प्लस माइनस खत्म हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस खत्म हो गया, ये प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो वाई वाई 2y हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हम 2y लिख सकते हैं, इसका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक करते हैं, क्योंकि अगर सबसे पहले कौन सा कोष्टक किया जाता है, अगर कोष्टक में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, तब उसके बाद मझला कोष्टक, तब सबसे लास्ट में हम बड़ा कोष्टक करेंगे, जब सारे कोष्टक खत्म हो जाएंगे तब विदाउट कोष्टक वाले सवाल करेंगे। अब विदाउट कोष्टक वालों में सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, तब जोड़, तब घटाना करना है सबसे लास्ट में। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, तो 2x² प्लस, कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर चिन्ह चेंज नहीं होंगे, कोष्टक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ समान तो है नहीं, तो ये घटे जुड़ेगा ही नहीं, ना तो घटेगा ना जुड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आ गया, यहाँ कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर क्या होगा, ये देखो प्लस है, ये प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो 3x² हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये भी सजातीय पद, एक्स स्क्वायर चर इसके समान होने चाहिए, अचर कैसा भी हो, तो 3x ये है, एक और एक्स हो गया, तो 4x² माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये, यहाँ पे 2p है माइनस 3q प्लस, देखिए ये जो क्या है कोष्टक तो रहेगा, ये p और ये p सजातीय पद हैं, प्लस है और इसमें भी प्लस छिपा है, दोनों ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, 5 2 7 हो जाएगा, 7p माइनस q ये हो जाएगा आपका। अगला स्टेप में 2p तो है ही, माइनस 3q प्लस, कोष्ठक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह, अंदर की संख्या में कोई परिवर्तन, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो गया आपका। अब उसके बाद 2p तो है ही माइनस, अब कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस क्यू है ना, तो यहाँ पे प्लस 3q है,
तो माइनस थ्री क्यू से प्लस थ्री क्यू से एक माइनस क्यू कम हो जाएगा तो टू क्यू, दो क्यू बचेगा यानी टू क्यू बचेगा, तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो इसलिए यहाँ माइनस टू क्यू बचेगा, प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था ना टू क्यू बचा था माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस सेवन पी, समझ रहे हैं आप। फिर से देखिए यहाँ पे टू पी है, यहाँ पे माइनस है तो अंदर के चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे थ्री क्यू प्लस में था, एक माइनस कम हो गया तो प्लस टू क्यू ही बचेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, टू क्यू बचा यहाँ पे, ये प्लस था ये माइनस, प्लस माइनस हो गया सेवन क्यू बचा। अब यहाँ पे देखिए ये टू क्यू है, ये माइनस सेवन पी है, यहाँ पे टू पी प्लस में है तो प्लस माइनस हो जाएगा, फिर भी माइनस अधिक है तो माइनस फाइव पी बचेगा और माइनस टू क्यू बचेगा। इसका ये आंसर हो सकता है या एक आंसर और भी हो सकता है, आप माइनस बाहर ले लीजिए कॉमन ले लेंगे तो फाइव पी बचेगा और प्लस टू क्यू बचेगा, ये भी आंसर हो सकता है, आप दोनों आंसर मान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइव देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है फाइव एक्स वाई प्लस, पहले हम छोटा कोष्टक करेंगे, थ्री जेड माइनस टू एक्स माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, टू जेड माइनस माइनस प्लस थ्री वाई, छोटा कोष्टक खत्म हो गया। अब उसके बाद फाइव एक्स वाई प्लस थ्री जेड माइनस, अब यहाँ पे कोई सजातीय पद तो है तो नहीं, x है इसमें z है इसमें y है, तो फिर कोष्टक खत्म होगा और अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू जेड माइनस प्लस माइनस थ्री वाई, ये भी खत्म हो गया आपका। अब उसके बाद फाइव एक्स वाई प्लस, कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये देख सकते हैं कि सजाती पर तो नहीं है, ये सजाती है थ्री जेड और टू जेड, तो दोनों प्लस ही प्लस है तो ऐड कर सकते हो, फाइव जेड लिख सकते हैं उसको, लेकिन पहले हम एक्स लेते हैं माइनस टू एक्स, फिर उसके बाद माइनस थ्री वाई, लास्ट में दोनों ऐड के रख देते हैं फाइव जेड, इसमें कोई भी सजाती नहीं है तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर फाइव, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई जेड, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस है तो अंदर का, जब रेखा कोष्ठक खत्म होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई तो स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप करते हैं, टू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस, इसमें कोई सजातीय पद तो नहीं है, तो कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद टू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें कुछ सजातीय पद है, कोई भी सजातीय पद नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड है तो इसमें खाली एक्स स्क्वायर अकेला है तो ये कॉमन नहीं है, ये भी देखिए एक दूसरे से जो है सजातीय पद नहीं है क्योंकि इसमें वाई है इसमें वाई स्क्वायर है, तो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, टू वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब उसके बाद अगला टू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस, अब देखिए इसमें कोई सजातीय पद है, ये हमको दोनों सजातीय पद दिखे हैं, थ्री एक्स है ये माइनस में तो एक कम हो जाएगा टू एक्स बचेगा, टू एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस क्योंकि कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो जब भी कोष्ठक हटेगा चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस टू वाई
माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए इसमें कोई सजातीय पद है, ये दोनों सजातीय हैं तो ये अकेला बचेगा, दो है तो एक माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ टू एक्स स्क्वायर वाई जेड है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड यानी एक है, तो एक कम हो जाएगा तो एक ही बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड, टू एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे है तो यहाँ पे एक प्लस में है तो एक कम हो जाएगा, ये इसको तो ऑलरेडी हमने कम कर दिया, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं रहेगा, ये माइनस टू एक्स स्क्वायर ही बचेगा, प्लस टू वाई ही बचेगा, यह प्लस वाई स्क्वायर मान लिया जाए, प्लस वाई स्क्वायर ले लेते हैं इसको, उसके बाद प्लस टू वाई लिखते हैं, ये तो ख़त्म ही हो गया है। अब यही आपका आंसर, अब इस अभ्यास का जो है लास्ट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। क्या दिया है इसमें, ए माइनस क्या है कि इसके इधर उधर कोई संख्या नहीं है ना, तो इस संख्या को हम ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ए स्क्वायर माइनस फाइव भी लिख सकते हैं, माइनस फिलहाल तो भी नहीं लिखते हैं, माइनस टू कर लेते हैं, उसके बाद फिर टू ए स्क्वायर करते हैं, माइनस कोष्टक है, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्हों में परिवर्तन, माइनस माइनस प्लस टू बी, ये हो गया आपको। अब उसके बाद फिर ए स्क्वायर माइनस कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस फाइव बी माइनस टू, अब कोष्टक के बाहर माइनस टू लगा है, इसमें कोई भी सजातीय पद नहीं है, तो अंदर के चिन्ह में माइनस टू से मल्टीप्लाई गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पे गुणित का चीज़, जब दो संख्याओं के बीच में कोष्टक के बाहर और बीच में कोई संख्या हो, उसके बीच में कोई चिन्ह हो, तो गुणित छिपा होता है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, संख्या हो गई लेकिन बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब गुणित छिपा होता है, तो यहाँ पे दो दूनी माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, दो दूनी चार आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे चार आ जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और दो तिहाई छः सिक्स हो जाएगा, छः सी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो दोनों चार बी हो जाएगा, ये भी आपका कोष्टक खत्म हो गया। अब उसके बाद फिर ए रहेगा ही माइनस, ये भी रहेगा, अब आप कोष्टक खत्म कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस फाइव बी माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स सी माइनस माइनस फोर बी, ये हो गया बराबर। इसमें देखिए कोई सजातीय पद तो नहीं है, ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस थ्री ए स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि प्लस है तो एक कम हो जाएगा इसका, माइनस थ्री ए स्क्वायर बचेगा, माइनस फाइव बी माइनस फोर बी, तो दोनों ऐड हो गए, माइनस नाइन बी होगा, सजातीय पद है, प्लस माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, प्लस प्लस भी जुड़ जाता है, माइनस माइनस भी जुड़ जाता है। उसके बाद बचा क्या यहाँ पे आपका, ये तो खत्म हो चुका है, ये प्लस सिक्स सी बचा है, ये अब देखिए यहाँ पे ए है, कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस सिक्स सी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। सॉरी ये नाइन बी है, हाँ इसको ए बी मत समझना, ये माइनस फाइव बी और माइनस फोर बी को ऐड करने पर प्राप्त हुआ है, नाइन बी, ये आपका आंसर है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।